Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nana's vlog. So guys, जो नए हैं, जो हमारा vlog पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने subscribe नहीं किया है फिर भी vlog देख रहे हैं, तो guys like, comment, share and subscribe our channel. तो bell icon भी press कर लेना, आपको notifications आते रहेंगे जब भी हम vlogs डालेंगे, क्योंकि हम बहुत daily vlogs नहीं डालते हैं. तो जब भी आएंगे 2 या 3 दिन में तो आपको notification आ जाएगा. तो आज का व्लॉग है हमारा चिट चैट सेक्शन ही, और आज के व्लॉग में हम बताने वाले हैं हाउ आई मेट योर मदर, ऑस्कर्स मदर. या फिर हंसी वाला वो डाल देना तुम. कहा जरूरी नहीं, तू नहीं कर दिया. ओके, तो आज का व्लॉग है हाउ वी मेट. वी मेट, वी मेट, हाउ वी मेट, हाउ आई मेट ऑस्कर्स मदर. मॉम, यार लाइक दिस होली पोली. ओ वेट, बात ही हो रही है बच्चा. पहुंच गए, चल रुक जा. चंटू मैं गलत नहीं कहा, हाउ आई मेट ऑस्कर. अच्छा वेट यार, तो ये तो जितने नहीं है बोले इट्स ओके. ओके ऑस्कर, मॉम्स लाइफ इज लाइक दैट ओनली. तो समझ सकती है, सॉरी मॉम, सॉरी बच्चे के तो परेशान करते हैं मॉम. हम तक बच्चे हैं ये बच्चे हैं ही नहीं, बड़े हो चुके हैं बाय द वे. हम 28 की हो चुके हैं. इट्स ओके, बार बार मेरी एज याद दिलाने की जरूरत नहीं है. मैं तो 30 की हो गई हूँ, तो मैं दिला सकती हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. स्टील स्टील, या ओके. हाँ, तो आज का व्लॉग दोबारा तीसरी बार बोलने वाली हूँ. आज का व्लॉग है हमारे बारे में, हाउ वी मेट, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ फ्रेंड्स से, कुछ जो हमें जानना चाहते हैं, जो और कुछ लोग जो हमें और जानना चाहते हैं, और मतलब उनको क्यूरियोसिटी हमारे बारे में जानने की. तो हाउ वी मेट, बाय द वे क्वेश्चन भी आएगा, कौन पूछ रहा है जरा ये भी बताओ. बहुत से लोग ऐसे कमेंट करता था, यस इंस्टा पे पूछा गया है, यूट्यूब पर भी पूछा गया, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं. तो पहले बता देते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, ये तो सबको पता ही. हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं मैं दिल्ली से हूँ. शी इज फ्रॉम पंजाब. तो अपोजिट हो गए हम लोग बिल्कुल, दिल्ली पंजाब, मतलब ऑफकोर्स साथ नहीं रहते थे, एक स्टेट के भी नहीं है. और मुंबई आई थी मैं मेरी जॉब के लिए. इनिशियली जब मैं मुंबई आई थी तो मैं जॉब करने ही आई थी, तो और मैं यहाँ आके एक पीजी में रह रही थी. और यहाँ पे पीजीज ऐसे होते हैं, मतलब पीजी टिपिकल पीजीज भी होते हैं यहाँ पे, और कुछ पीजीज ऐसे होते हैं कि फैमिली रह रही है और साथ में एक रूम में आप रह रहे हो किसी के साथ शेयरिंग करते. 2 BHK 1 BHK टाइप, जो दो रूम हॉल किचन होता है. सो उसमें ऐसा करता है कि एक रूम में एक फैमिली हो जाती है, सो दूसरा रूम जो एम्प्टी होता है उसको सामने एज अ रेंट पे दे देते हैं, या उसे ही पीजी कहते हैं. हाँ, तो मैं जब मैं एक ऐसी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के किसी को जानती थी, उनके उन्होंने यहाँ पे घर लिया हुआ था, तो मैं उनके साथ ही रह रही थी यहाँ पे एक रूम में. और तो जॉब चल रहा था, नॉर्मल लाइफ थी, आना जाना ऐसे चल रहा था. और मेरे ऑफिस के ट्रिप्स पहले भी होते थे जैसे अभी भी होते हैं. तो उस टाइम जब एक टाइम की बात है, 2017 अप्रैल में मैं बैंगलोर कुछ 10 दिन के लिए बैंगलोर गई थी. और 10 अप्रैल को तुम आई थी ना. ओके, सो ये 10 दिन के लिए बैंगलोर गई थी. और उसी 10 दिन के बीच में मेरा कुछ ऐसा प्लान हुआ था, मीन्स मोस्टली मेरा ऐसा ही होता था, कभी आओ होटल में रुको, टाइम पास करो. और 10 अप्रैल को मैं गई थी और मैं 15 को आई थी. यस, सो 10 to 15 के बीच में मेरा प्लान बना, बिकॉज जिसके घर पे ये थी उसी के घर पे, मीन्स उनसे मेरी भी फ्रेंडशिप थी, सो उन्हीं के घर पे मैं भी एज अ पीजी, बोल लो फॉर अ टेम्पररी. नॉर्मली आज तक मैंने कभी पीजी में रहे नहीं, बट स्टिल वो एक टाइम था कि वो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं एज अ पीजी रही. और वहां पर मुझे पता चला कि मेरे अलावा ऑलरेडी एक वहां पे रहती है जो कि ये थी, बट वो उस टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन थी. तो मुझे इसका नाम एंड ऑल मुझे पता था, मैं बता दिया गया था कि ये है, ये रहती है. सो एज ऑलवेज इंस्टाग्राम वाले तो हम है ही, सोशल मीडिया वाले. सो मैंने पर उस टाइम पे मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी. मेरा इंस्टाग्राम पे अगर नीचे जाओगे प्रोफाइल देखोगे ना, तो मतलब बहुत रेयर फोटोज फ्रेंड्स के, अदरवाइज होते ही नहीं थे. मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करती. हाँ, इसका उस टाइम पे अकाउंट प्राइवेट था. सो मैंने इसको सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी थी. इसको भी पता चल गया था कि घर पे कोई आया है मेरे नाम से, तो इसने एक्सेप्ट बहुत इजिली कर लिया था, क्योंकि इसको पता था कि घर पे ही है. अब इसे पता नहीं था एक्सेप्ट किसको किया, एक स्टॉकर को कर लिया यार इसने. अच्छा, उस टाइम पे आई नो, उस टाइम तो इससे फर्स्ट मीटिंग में नहीं हुई थी मेरी. सो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है. स्टिल स्टॉक करना तो आदत है. सो एज आई वाज सेइंग, सो स्टॉक किया 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 किया, बस मैम की एंट्री हुई 15th ऑफ अप्रैल.
हाँ तो 15 अप्रैल 2017 को मैं वापस आई, और वापस आके जो हमारी फर्स्ट मीट था, हम कैसे मिले थे फर्स्ट मीट याद है? तो मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, दूध वगैरह लेने जा रही थी, शायद पैकेट वगैरह दूध का, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे हम रहते थे और नीचे आएंगे तो नीचे शॉप से, तो शॉप से पिंक कलर की शॉर्ट्स और ऊपर एक फ्लोरल वाला स्लीवलेस टॉप पहन के निकली थी। हाँ एक था, मैं तब उसको बताऊंगी कौन सा। अच्छा होगा, उसको मैंने पोछा बनाया था, डोंट वरी। अच्छा पिंक कलर का शॉर्ट्स तो अभी फेंक दिया, आज तक चल रहा है, मैं भी फेंक दिया था। तो वो थी फर्स्ट मीट, तो मुझे मतलब मुझे नहीं आने इसके कपड़े, तो मैं नीचे आई थी और मैं ऊपर जा रही थी। ये जिनका जिनके पीजी में हम रह रहे थे उनके साथ, उन दी के साथ ये जा रही थी ऊपर, मैं आ रही थी नीचे। मैंने दी को हाई किया क्योंकि मैं दी से मिली रही थी, तो मैंने उनको हाई किया, और उसी टाइम इससे पैसा आई कॉन्टेक्ट हुआ था, हाई 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 बस हाई। तो वो हमारा फर्स्ट मीट था जब हमने एक दूसरे को देखा था रियल में, रियलिटी में, ऐसा फेस टू फेस। और उसी दिन रात को हम गए थे एक पब, और उस टाइम मैं बहुत ड्रिंक करती थी, बहुत ज़्यादा ही। अब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, सबके लिए बता दूँ, ऐसा गलत मत समझना, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं अच्छे बच्चे बन गई हूँ अब, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ अब, तो अब मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ उस टाइम मैं बहुत ड्रिंक करती थी, और जब हम गए पब तो आई वॉज लाइक कि चलो आने दो भाई, पीना है पीना है पीना है पीना है पीना है, और मतलब ऐसा होता था कि 7-8 शॉट्स मार लेते मैंने रम के, मतलब 8 होता ना 30 ml 30 ml 30 ml, तो वो भी कोक में मिक्स करके या फिर सोडा वोडा में मिक्स करके, मैंने कुछ 7-8 30 ml मंगा के पिया था। और टाइम में मेरी एक रेड बुल चल रही थी, आई वॉज फुल ड्रंक ऐसा, और ये अपना रेड बुल में ये हमेशा से रेड बुल ही पीती थी पहले, अब तो वो भी छुड़वा दी गई है। तो फिर हाँ वो हमारा फर्स्ट डे था साथ में, फर्स्ट वर्स्ट डे, जो इसको एक्चुअली अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पी रही थी और इसको पीने वालों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है, तो वो हमारा ऐसा ही था, मतलब दैट वाज द अपोजिट, ऐसा हुआ कि कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा मेरा इसके ऊपर, तो शी वाज लाइक ओके ठीक है, ठीक ही है ये लड़की, ऐसे ही है, पीती खाती ज़्यादा है। उस टाइम तो एक्चुअली यही रिएक्शन था मेरा, लाइक यार इतना पीना नहीं यार, अब इतना हैंडल नहीं होगा। ओके और फिर स्टार्ट हुआ, आई मीन इसके बाद मेरा रिएक्शन थोड़ा नॉर्मल हो गया, स्टॉक लाइक ओके चलता है यार ठीक है। फिर अब जब एक ही घर पे थे तो इसका सुबह से शाम तक का ऑफिस होता था, रूटीन होती थी इसकी, सुबह अपने लिए उठ के लंच बनाना, ब्रेकफास्ट करना और चले जाना, फिर शाम को आना, डिनर बनाना, खाना और सो जाना। हाँ तो यार ऑफिस के टाइम पे यही नॉर्मल लाइफ है अपने लिए, तो कुछ करना पड़ेगा। उस बीच में आती थी, जैसे ऑफिस से आती थी ऐसे रूम में ऐसे झांकती थी, ओह हाय, लाइक हाय, वो जैसे सबको हाय बोलते ना हाय, मतलब और भी जो एक दो लड़कियां थी वहां पे रहती थी, सो हाय हाय बोला, बस ठीक है। उसके बाद एक सीन था, एक दिन क्या हुआ उसी बीच में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उस बात को, कि कुछ 3-4 दिन हुए होंगे उस बात को, 4-5 दिन हार्डलिंग, चल 5 दिन ले ले यार, 5 दिन हुए होंगे, मतलब 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में ये सीन हुए। एक दिन ऐसे ही शाम को ही ऑफिस से आई थी वापस, एंड मुझे उस टाइम पे बुक रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैं ऐसे बेड पे लेटे हुए बुक रीड कर रहे थे, कौन सी बुक थी मत पूछना याद नहीं है मुझे, तो बुक रीड कर रहे थे, अचानक से ये रूम में आई, एंड उसने मुझसे पूछा कि चल नीचे वॉक पे जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि सारे जो हमारे जो फ्लैटमेट्स थे वो सब ना नीचे वॉक करने जा रहे थे, तो दिने में जो हमारे ओनर वाली दी थी उन्होंने पूछा कि चलना नीचे, तो मैंने कहा ठीक है चलता है। तो एक और लड़की थी और वो दी ऑलरेडी नीचे जा चुके थे, फिर मैं शॉर्ट्स शायद पहने थे, तो मैंने कुछ मतलब कुछ और पहना था, तो चेंज करने के लिए मैं गई या फिर कुछ करने के लिए गई, इतने में वो लोग नीचे चले गए और ये रूम में थी, तो फिर मैंने आके देखा कि अकेले, तो मैंने इसे पूछा कि चलना नीचे, एंड शी वाज लाइक नो, इतने गंदे तरीके से भी नहीं बोला था मैंने, नो बुक हटा के नो नहीं यार ऐसे बोला, ऐसे गंदे से नो मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, ऐसे मैंने कहो क्या बात है, नहीं चलना नीचे, ऐसे कैसे मना कर दिया मेरे को। हाँ ऐसा सीन जरूर था, तो मैंने कहा ठीक है नहीं चलना, तो मैंने पता ये वापस चली गई थी, फिर ऐसे आई रिटर्न हो गए। हाँ मैंने कहा ठीक है नहीं जाना होगा, चली गई मैं, फिर वापस आई मैंने कहा चल दोबारा, मैंने कहा ओके, ऐसे मैंने कट्टी करी इसको ऐसे करके, लिटरली वो बच्चे जैसे नहीं करते छोटे, नहीं जाना ठीक है मत कट्टी। बोलो ये क्या था फिर, लिटरली मीन्स ऐसा मेरे साथ
लाइफ में पहली बार किसी ने किया था. मैं बोला मीन्स ये कट्टी तो मतलब बचपन के मतलब सच में बहुत बचपन पे देखा था मैंने, वो भी मतलब स्कूल में भी ऐसे वाला कट्टी होता था, ये चलता था. थोड़ा कच्चा है जी. ओके तो ये हुआ और मैंने ऐसे किया और फिर मैं चली गई नीचे. हम लोग चले गए कहीं नहीं, हम ऐसे खाना खा के ना वॉक के लिए निकले, गली में वॉक कर रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे. तो ये मैडम भी आ गई नीचे, कहाँ हो कॉल करी, कहाँ हो, हम खा रहे थे जलेबी आइसक्रीम कुछ तो, और मेरे हाथ में कोक का कैन नीचे से खरीद लिया था. तो हम ऐसे निकले फिर घूमने के लिए, फिर ये भी आ गई. और उस दिन हमारी हुई थी पहली साथ में फर्स्ट फोटो. अगर मिल गई तो यहाँ पे कहीं पे हम लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने फोन एक्चुअली खाली करके ना लैपटॉप में सारा सब कुछ कर दिया है, तो लैपटॉप में से निकालना पड़ेगा. और वो भी यार बहुत सारे हमारे फोटोज ऐसे है ना, तो कहीं कहीं पड़ी है बहुत सारे, मतलब यार थाउजेंड्स फोटो थाउजेंड्स. क्योंकि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है पोज देना, इसकी फेवरेट एक्टिविटी है फोटोग्राफी करना. एक्जेक्टली. ओके तो वो हमारा फर्स्ट मतलब मीट के बाद फर्स्ट फोटो था. yes. और फर्स्ट आउटिंग हमारी थी हम लोग मतलब मैं ऑफिस से आई थी और ये और जो दी थे ओनर वाले जो दी थे उनके साथ ये कहीं बाहर थी. तो इनका कुछ प्लान हो रहा था बाहर जाने का, कहीं किसी पब वगैरह या क्लब वगैरह जाने का. तो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि अभी जैसे ऑफिस से आई है तो एक काम करते हैं, इसको भी पूछ लेते हैं क्या पता चले. तो शी वाज लाइक नहीं यार वो अभी जस्ट ऑफिस से आई, वो ऑफिस से आने के बाद कहीं नहीं जाती. मैंने बोला इट्स ओके जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आई जस्ट वांट टू आस्क. तो उन्होंने बोला ठीक है तेरी मर्जी पूछ ले, ना बोलेगी तो बाद में मुझे मत बोलना. मैंने बोला ठीक है ना बोलेगी तो ना सही यार, कोई जबरदस्ती थोड़ी है. मैंने इसको एक कॉल किया और उस टाइम जस्ट मतलब ये लॉक खोल के ऐसा बैग ही रखा होगा इसने, इसको कॉल किया. मैंने बोला देख यहाँ यहाँ जा रहे हैं तू चलेगी? नहीं मैंने उस टाइम आप बोला था स्टार्टिंग में, मुझे आज भी याद है. आप चलोगे? लाइक उतना एज वेज का तो इतना आइडिया था नहीं क्या है क्या नहीं. दो ही साल बड़ी हूँ तेरे से. अरे उस टाइम तो पता नहीं था ना इतना. तो लाइक आप चलोगे? तो लाइक हाँ चल लेते हैं कोई टेंशन नहीं है. मैं बोला ठीक है. मैंने ऐसा फोन रखा एंड लाइक ना बोल दिया ना. मैंने नहीं, उसने बोला हाँ चलूंगी. ये मुझे भी नहीं पता वैसे क्या होता था एक्चुअली जब मैं ऑफिस से आती थी, क्योंकि मेरा जो ऑफिस था ना पहले वाला, तो मेरे को एक घंटा लगता था घर आने के लिए बाई ट्रेन, यहाँ जो लोकल ट्रेन चलते हैं उससे. और मॉर्निंग में भी ऐसे जाती थी तो मैं थक जाती थी, और ऑफिस में भी काम यार होता ही है ऐसा तो नहीं खाली बैठते हैं वहाँ पे, तो थक जाती थी. फिर घर आके खाना वाना बनाओ, फिर कल के लिए मैं और अर्ली मतलब कल के लंच के लिए मैं रात से प्रिपरेशन करके रखती थी, सब्जी कट वट करके रखना है या फिर मैं नहीं था ना काटने का. हाँ या फिर कुछ सब्जी बना के रखनी है, तो मैं तो मेरा अकेले का था तो मैं कुछ भी कैसे भी खा लेती थी. तो मेरे को ये होता था कि मैं कहीं जाती ही नहीं थी बाहर, और जाना है तो फिर मतलब फिर या तो फ्राइडे सैटरडे जिस दिन हम पता है कि नेक्स्ट डे छुट्टी है तो हम जा रहे हैं फिर हारने, ऐसा होता था. पर इसने पूछा था वर्किंग डे में कि नेक्स्ट डे वर्किंग डे था मेरा, तो और मैंने भी पता नहीं क्यों बोल दिया हाँ चल ठीक है चलते हैं, पता नहीं क्या ये था उस दिन मूड. तो वो हमारा फर्स्ट आउटिंग था साथ में, और वहां से वापस टॉक स्टार्ट हुआ. पर हमारे और साथ में ऐसे फोटोज आए, मैं वही वाली फोटो दिखाऊं वाली मेरे पास है. निकाल है यहाँ पे नहीं होगी तो फिर यहाँ पे लगा देंगे कोई टेंशन नहीं. वो उसके बाद तो वापस से मेरा स्टॉक स्टार्ट हो गया. हाँ. लाइक थोड़ा नॉर्मल हुआ. मैंने ना आज निकाली थी वो फोटो. या बोल लो कि उसके बाद से ना ऐसा भी हुआ कि भाई मेरे सामने कम पी रही थी या एक्चुअल में कम पी रही थी वो तो मुझे भी समझ नहीं आया. ज्यादा ही थी, पीती ज्यादा थी बट मेरे सामने कम हो गया था, आई डोंट नो. तो ये हमारी ये वाली जो फोटो है ना हमारी. हाँ ये उस आउटिंग की फोटो. ये हमारी फर्स्ट आउटिंग की फोटो है जिस टाइम पे इसने हाँ बोला था चल चलते लगा देंगे इधर साइड में. और ये तब इसके ना बाल बड़े थे तो ऐसे दिख रहे हैं वो. यू कांट इग्नोर मी गर्ल. ओके आई डिड तो चुप रहो. ओके तो ये हमारा था फर्स्ट आउटिंग, और उस आउटिंग के बाद हम लोग बाहर जाने लगे थे अक्सर, घूमने लगे थे और कहीं ना कहीं जाते थे. ऑफिस के बाद भी हम लोग कहीं चले जाते थे. ऑफिस के बाद के बहुत सारे सीन्स हैं जो हम बता सकते हैं.
बट अभी के लिए बता रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने ये पूछा था कि हम मिले कैसे, तो ये है हमारा छोटा सा वीडियो जो 15 मिनट बन चुका है। तो ये था कि हम मिले इस तरीके से, हम लोगों ने मूव इन कैसे किया ये बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया और क्या ही रीजन था, और ऐसा क्या ही हुआ कि हम दोनों साथ में रहने लगे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हो गया, और ऐसा क्या हुआ कि वी आर लाइक फैमिली नाउ। तो ये मैं ऑस्कर हम फैमिली की तरह रहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या चीजें थी और कैसे इसको मैंने अपनी फैमिली से मिलवाया, इसने मेरे को अपनी फैमिली से मिलवाया, तो वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए बने रहिए, देखना ना भूलें हमारा लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। Ciao, bye bye guys, don't forget to subscribe our channel, it's Evie Nanu, and also follow us on Instagram, it's Evie Sharma, so nana.nanu, and our Oscar Diaries, our baby. Ciao, bye bye.